दो सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए मतलब माया की गति को देखिए, बहुत प्रेम था उनका, एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र और एक ही जगह नौकरी उनकी थी, छुट्टी आ रहे थे तो मतलब ये एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था, ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था, तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन करके बड़ी तेज रफ्तार से, तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई। आगे गई तो एक कुआ था उस पर बैठ गई, तब तक ये पीछे से सिपाही आए, सिपाही ने देखा कि औरत एक अकेले बैठी है एक देवी, तो चलो एक कुआ है चलो देखें जरा सब पानी वानी पी लिया जाए, तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही, तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे ये भी खा लेंगे। सही बात ये थी कि उसकी नियत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी, तो चला गया मिठाई लेने, तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो, कह लगे नहीं हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात, कह लगे क्या कहा क्या बात कर ली हमसे बात करो, भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया देखा कि सब कपड़े फटे हुए, तो किसने फाड़ दिए गए किसने फाड़ दिए, बस उसने निकाली उसमें से तलवार उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा, तो उसके भी लग गए वो भी दोनों मर गए। देखिए माया करूं, और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला, वो राजा देख रहा था, वो सब उसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी, तो नदी का किनारा आया वहां नाव लगी थी, मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ, उस पर लोग बैठ गए, तब तक फौरन भेष बदला और सापिर मर गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर भगा कि सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब और वो नाव डूब गई। ये सब राजा देखा, देखो फौरन मतलब ये कि वेद बदल लिया और नाव में चढ़ गई और उसके बाद में वो मर गया, उसके बाद उस पार गई, तो ब्राह्मण का भेद बना लिया, तिलक लगा लिया और बैठे हुए, तो राजा गए उस पर, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया। कह रहे भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूँ, उसके हुक्म को बजाता रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो, कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया यहाँ क्या किया फिर क्या करेंगे फिर ये, अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है, इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता, महापुरुष नाश करेंगे कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहां क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है, जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नाते वक्त में आपने की है कि हम साकारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी वो तो हमने कर लिया,
अब हमारा वही चमक जाए जा, हम नहीं करेंगे। क्यों आप क्यों करते हो, क्यों किसी को मारते हो, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका सबका बदला आपको देना पड़ेगा। कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है। कोई ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना उसको सजा मिले, कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं तप करो तो राज, राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, तो राज ले लिया तो फिर आपने भोग भोगे नरक को चले गए सीधे, इसमें गुंजाइश गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो, अगर वो कहे कि राज ले लो तो कहो हमको राजनीति तब मालूम, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो फौरन टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिलना ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है, जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको स्वास्थ्य पर मिलेगा, अब उसको आप समझते नहीं हो। महात्मा जब समझा देते हैं तभी।